नमस्कार देशहित देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। देशहित यानी वो शो जिसमें हम आपको बताते हैं आपका हित इस देश का हित। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शीरीन। तो देशहित में हम आपको वो तमाम खबरें दिखाएंगे जिसका सीधा सरोकार आपसे है, यानी कि जिसमें आपका हित छुपा हुआ है, वो तमाम खबरें एक साथ देखेंगे आप। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं हम देशहित की आज की बड़ी 20 खबरों के साथ। बंगाल में चुनावी हिंसा पर प्रधानमंत्री का ममता पर वार, कहा कुछ भी कर लो 23 मई को फिर बनेगी मोदी सरकार। पीएम मोदी की ममता को चुनौती, कहा नतीजों के बाद साथ छोड़ देंगे दीदी के विधायक, टीएमसी के 40 विधायकों से संपर्क का दावा। चौथे दौर में भी हिंसा से अछूता नहीं रहा वेस्ट बंगाल, आसनसोल वीरभूम समेत कई जगहों पर जबरदस्त हिंसा, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। आसनसोल में बीजेपी प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो की कार पर भी हमला, पोलिंग बूथ में बहस और धक्का मुक्की, जी न्यूज की गाड़ी पर भी हुआ हमला। केंद्रीय मंत्री और आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो के खिलाफ FIR दर्ज, पोलिंग बूथ पर टीएमसी के एजेंट को माफ की जगह धमकाने का आरोप, चुनाव आयोग की कार्रवाई। पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी पर आचार संहिता मामले में चुनाव आयोग की बैठक कल, तीनों नेताओं से मांगा जा सकता है जवाब। लोकसभा के चौथे चरण का मतदान खत्म, 9 राज्यों की 72 सीटों पर 60% तक हुई वोटिंग, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 67% मतदान। चौथे चरण के लिए जम्मू कश्मीर में सबसे कम 10.5% मतदान हुआ, राजस्थान में 64% मतदान, मध्य प्रदेश में 66% और झारखंड में करीब 64% वोटिंग हुई। बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को चुनाव आयोग का नोटिस, धर्म के नाम पर वोट मांगने के खिलाफ आयोग की कार्रवाई। चौथे चरण में राजनीति और उद्योग जगत के दिग्गजों ने वोट डाले, मायानगरी मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटों पर फिल्मी सितारों ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने मुंबई में पूरे परिवार के साथ डाला वोट, Z5 ग्लोबल के CEO अमित गोयंका ने भी किया मतदान। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का अपमानजनक ट्वीट, लिखा एक गलत वोट आपके बच्चों को चाय वाला, पकौड़े वाला या चौकीदार बना सकता है, संभल कर वोट डाले। सिद्धू के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा देश के गरीबों और मेहनत करने वालों का कांग्रेस ने किया अपमान, राहुल माफी मांगे। वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ पूर्व सैनिक तेज बहादुर यादव होंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, अखिलेश ने शालिनी यादव की जगह टिकट दिया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अफवाहों की रेस में कांग्रेस हुई शामिल, कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी दिव्या स्पंदना ने पोस्ट की हिटलर से तुलना वाली झूठी तस्वीर। नाराजगी की खबरों के बीच उमा भारती से मिली साध्वी प्रज्ञा, भोपाल से गले मिलते ही भोपाल में रो पड़ी साध्वी प्रज्ञा, उमा भारती ने दिया जीत का आशीर्वाद। रायबरेली में सोनिया गांधी पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला, कहा आतंकियों के मरने पर रोती हैं शहीदों, गरीबों किसानों के लिए एक भी आंसू नहीं निकलता। बीजेपी के सनी देओल ने गुरदासपुर से नामांकन दाखिल किया, कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना साहिब से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट के अवमानना केस में राहुल गांधी का नया हलफनामा, चौकीदार चोर है, बयान पर नहीं मांगी माफी, सिर्फ जताया खेद, कल होगी सुनवाई। शिरडी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त फिसला स्पाइस जेट का विमान, बाल बाल बचे सभी यात्री, रनवे अस्थायी रूप से बंद किया गया।